हेलो एवरीवन, मैं अनंतपाल नैन, ESHM हरनामपुरा। मेरे यूट्यूब चैनल मस्त मैथ पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पर्सनली 1.1 हमने लास्ट वीडियो में की थी, उसमें पूर्णांकों के बारे में चर्चा की थी। 1.2 के अंदर है, हमें पूर्णांकों के बारे में चर्चा करेंगे कि संवृत कि पूर्णांक संवृत होते हैं कौन कौन सी संक्रियाओं पर या नहीं होते, कर्म विनिमेय कौन सी संक्रियाओं पर है और साहचर्य है। तीन चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे संवृत, इससे पर्सनली में जो चर्चा करेंगे संवृत पूर्णांक जो संवृत होते हैं, हम कह सकते हैं चार संक्रियाएं हैं हमारी। योग के अंतर्गत फर्स्ट संक्रिया है योग, ए प्लस बी, कोई भी दो पूर्णांक। किन्हीं भी दो पूर्णांकों को यदि हम जोड़ते हैं उसका हमेशा योग एक पूर्णांक ही आता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये योग संक्रिया के अंदर संवृत है। तो योग में क्या है, ये संवृत है। ऐसे ही व्यवकलन, दूसरी संक्रिया क्या है, व्यवकलन घटाना। अगर हमें ए माइनस से बी कोई भी दो पूर्णांकों को आपस में घटाते हैं हमेशा पूर्णांक ही आएगा, इसका अर्थ ये भी संवृत है व्यवकलन में भी घटा में भी। तीसरा गुणन, अगर किन्हीं भी दो पूर्णांकों की हम गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल है वो भी एक पूर्णांक से आता है, इसका मतलब ये भी संवृत है। चौथा है भाग, भाग के अंतर्गत यदि हम देखते हैं जैसे ए बटा जी हो, अगर हमें बटा में करते हैं या वैसे भी कोई भी एक पूर्णांक मान लीजिए ए भाग में बी, 3/5 की तो पूर्णांक है ही नहीं, 3/5, इसका मतलब ये भाग संक्रिया के अंतर्गत संवृत नहीं है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों को यदि हम आपस में भाग देते हैं, हो सकता है कुछ पूर्णांक में तो आए जैसे 4 को 2 से भाग दे दिया, 2 एक पूर्णांक ही आता है, लेकिन यदि 4 को 3 से भाग दें तब तो पूर्णांक नहीं आता। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाग संक्रिया के अंदर पूर्णांक संवृत नहीं है। उसके बाद आता है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय में भी यही हमने चारों संक्रियाएं लगानी है। फर्स्ट योग, योग संक्रिया में क्या है कि किन्हीं भी अगर हमें दो पूर्णांकों का योग करते हैं ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी, अगर हम उनका क्रम चेंज कर दें जैसे 3/5 = 5+3, यानी ये 8 है ये भी 8 है, क्रम चेंज करने से पूर्णांक पर अगर हम उनका योग करते हैं आगे पीछे करके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि योग संक्रिया के अंतर्गत क्या ये क्रम विनिमेय है, ये है क्रम विनिमेय। ऐसे ही व्यवकलन, दूसरा आता है व्यवकलन घटा a-b = b-a, क्या ये संभव है कि जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया 5 - 7 और फिर 7 - 5, यहां तो -2 आया यहां +5, तो इसका मतलब क्या हुआ ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्रम विनिमेय व्यवकलन के अंतर्गत नहीं है। उसी प्रकार से गुणन, गुणन में a * b = b * a, अगर किन्हीं भी दो पूर्णांकों की गुणा करते हैं क्रम चेंज करके तो वो हमेशा बराबर आती है, इसका मतलब है ये गुणन पारे क्या है क्रम विनिमेय है। चौथा तो भाग, भाग संक्रिया के अंतर्गत a / b = b / a, जैसे 3/5 = 5/3 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं है भाग क्रिया के संक्रिया के अंतर्गत, ये क्रम विनिमेय नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार से हम साहचर्य,
वही चार संख्याएं योग, योग पर क्या है जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। सहचर्य अगर ब्रैकेट में आगे पीछे कर दें जैसे तीन प्लस चार प्लस पांच और यहां पर तीन प्लस चार प्लस पांच यानी तीन प्लस नौ, नौ प्लस कितना हो गया यहां पर सात, सॉरी सात, तीन प्लस नौ और यहां पर सात प्लस पांच यानी बारह बराबर बारह। इसका मतलब क्या हुआ कि ये योग संक्रिया पर साचर्य है। ऐसे ही व्यवकलन, व्यवकलन पर a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी, ये हमेशा बराबर नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है। और तीसरा आता है गुणन, a गुणा बी गुणा सी बराबर a गुणा बी गुणा सी, ये हमेशा बराबर आता है, इसका मतलब ये साचर्य है गुणन पर। फिर आता है भाग, a भाग में b भाग में c बराबर a भाग में b भाग में c, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है ये भाग संक्रिया के अंतर्गत साचर्य नहीं है। वैसे तो ये आठवीं कक्षा में व्यवकलन गुण आता है, सिर्फ योग के बारे में बताया गया आपकी कक्षा में सातवीं में कि योग पर ये पूर्णांक समृद्ध है, यहां योग पर क्या है ये क्रम विनिमेय है और योग पर ये साचर्य है। आठवीं कक्षा में पढ़ेंगे, चलो मैंने थोड़ा सा पहले ही बता दिया आपको कि ये किस किस प्रकार किन किन संक्रियाओं पर क्रम विनिमेय या साचर्य होता है। अब हम पर्सनली एक पॉइंट दो पर चर्चा करेंगे, एक पॉइंट दो का पहला सवाल, एक पॉइंट दो का पहला सवाल, ऐसे पूर्णांक के युग्म लिखिए जिसका योग माइनस सात है, यानी योग माइनस सात होना चाहिए। ऐसे कोई भी दो पूर्णांक लिखने हमने जिसका योग माइनस सात है, कोई भी लिख सकते हैं जैसे माइनस दस व तीन, यदि हम इनको जोड़ेंगे माइनस दस प्लस तीन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा माइनस के सात, यानी हो गया कौन से हुआ माइनस दस व तीन, माइनस ग्यारह व चार हो सकता है, अंतर माइनस दस हो बी पार्ट, इसका अंतर माइनस दस तो क्या हो सकता है माइनस पंद्रह व माइनस पांच। अगर हम इनका अंतर लेते हैं जैसे माइनस पंद्रह माइनस माइनस पांच, माइनस पंद्रह प्लस पांच माइनस का दस वही आ गया, यानी माइनस पंद्रह व माइनस पांच माइनस छह व प्लस का चार भी हो सकता है। तीसरा है योग शून्य, योग शून्य योग जीरो कोई भी हो सकते हैं, तीन व माइनस तीन, पांच व माइनस पांच, एक प्लस का एक माइनस का बस। दूसरा सवाल, प्रश्न नंबर दो, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक के युग्म लिखिए जिसका अंतर आठ है, एक ऐसा अंतर क्या है आठ ऋणात्मक युग्म, दो चीजें हैं इसमें, दो चीजें पूछ ली इन्होंने, एक तो जोड़ा ऋणात्मक युग्म का मतलब दोनों माइनस के हो, ऋणात्मक युग्म हो और उनका अंतर कितना हो, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर आठ है, इसमें हो सकता है जैसे माइनस दो व माइनस दस, माइनस दो व माइनस दस, यदि हम अंतर लेते हैं माइनस दो माइनस माइनस दस, माइनस दो माइनस माइनस है प्लस दस आठ वही आ गया अंतर आठ, तो दोनों ऋणात्मक भी है, देख लीजिए दोनों ही क्या है ऋणात्मक भी है और अंतर आठ है। सेकंड पार्ट इसी का बी, दूसरे का, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक जिनका योग माइनस पांच है,
योग तो माइनस पांच हो और ए के धनात्मक है, पूर्णांक हो और ए के ऋणात्मक, यानी एक प्लस का हो और एक किसका हो माइनस का, वो बताना हमने। एक धनात्मक वह एक ऋणात्मक और योग माइनस एक पांच हो, जैसे कोई भी हो सकता माइनस छह वह एक, जब इसको जोड़ेंगे एक धनात्मक है एक है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, जब हम इनको जोड़ेंगे माइनस छह प्लस एक कितना आ जाएगा माइनस पांच आ जाएगा। और भी कितने ले लीजिए तो सी पार्ट किसी का, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, यानी एक ऋणात्मक लेना एक धनात्मक अलग अलग लेने हैं, जिनका अंतर माइनस तीन हो, अंतर तो माइनस तीन हो और एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक, ये हो सकते हैं जैसे माइनस एक वह दो। अब देखिए इसमें माइनस एक अंतर माइनस दो कितना देगा माइनस से एक और एक प्लस का दो था, माइनस एक वह दो माइनस एक माइनस दो माइनस के तीन, ये हो गया इनका अंतर कितना आया माइनस तीन। प्रश्न नंबर तीन, किसी प्रश्नोत्तरी के तीन उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने दे रखे हैं टीम ए द्वारा, माइनस चालीस दस व जीरो। प्रश्न नंबर तीन, टीम ए के अंक कितने कितने अंक है टीम ए के, माइनस चालीस दस जीरो, ये वह बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक टीम बी, टीम बी के अंक कौन कौन से हैं, दस जीरो माइनस चालीस, ये है दस जीरो माइनस चालीस। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, यानी किस टीम ने ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो टीम ए के कुल अंक माइनस चालीस प्लस दस प्लस जीरो यानी माइनस के तीस, ऐसे ही बी के कुल अंक दस प्लस जीरो माइनस चालीस, माइनस के चालीस प्लस के दस माइनस तीस, इसका मतलब क्या हुआ टीम ए बराबर टीम ए बी, दोनों ही टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, हाँ हम कह सकते हैं, देखिए इसमें क्रम आगे पीछे है, हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी पूर्णांकों पर क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम में क्या था, वही था कि क्रम को यदि हम आगे पीछे कर देते हैं ए प्लस बी ये क्यों क्रम विनिमय बराबर बी प्लस ए, पूर्णांकों पर ये क्या होता है क्रम विनिमय है योग संक्रिया पर, वही ये है कि किसी भी क्रम में जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अंतिम प्रश्न यानी चौथा सवाल है, कथनों को सत्य बनाने के लिए खाली स्थान भरना है बस इसमें, यानी जो भी कथन दिए गए हैं उसको सत्य करने के लिए खाली स्थान दिए गए हैं, उसमें रिक्त स्थान उनको भरना है। जैसे चौथे का प्रश्न नंबर चार फर्स्ट पार्ट, ये माइनस पांच प्लस में माइनस आठ, माइनस पांच प्लस में माइनस आठ बराबर माइनस आठ प्लस में, ये दिया हुआ है खाली स्थान, यानी यहां पर एक एक करके हम साथ में ही कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका माइनस पांच है माइनस आठ है यानी माइनस के तेरह, यहां बराबर करने के लिए माइनस आठ है तो दूसरा क्या आना चाहिए माइनस पांच, इस खाली स्थान में क्या आएगा माइनस है पांच, क्यों, क्योंकि माइनस पांच और माइनस आठ है इस साइड में, माइनस आठ और माइनस पांच होगा बराबर के लिए। सेकेंड पार्ट इसी का माइनस तिरपन प्लस माइनस तिरपन, तो इसमें क्या आएगा, हमने योज्य प्रतिलोम के बारे में तो चर्चा की है, एक होता है इसमें
योज्य तत्समक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक, ये शून्य होता है योज्य तत्समक। किसी भी योज्य तत्समक को जब हम किसी संख्या में जोड़ते हैं उससे वही मूल संख्या आती है, जैसे a प्लस जीरो बराबर a, तो शून्य क्या है, योज्य तत्समक है। तो यहां पर मूल संख्या है, इसका मतलब इसमें योज्य तत्समक जोड़ देंगे जीरो, यानी शून्य के जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पार्ट इसका 15, 17 प्लस बराबर जीरो है, तो इसका मतलब है मूल संख्या में योज्य प्रतिलोम या उसकी ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए -17, उन दोनों का टोटल शून्य होता है। इसी का फोर्थ पार्ट 13 प्लस -12 प्लस बराबर 13 प्लस -12 प्लस में -7। अब देखिए यहां पर प्लस के 13 है, प्लस के 13 है बराबर के लिए, माइनस के 12 है, माइनस के 12 है, अब -7 बच गया इसको बराबर करने के लिए, तो इसका मतलब यहां पर क्या लेंगे, -7 क्या ले लेंगे, -7 ये आ जाएगा बस। इसका लास्ट पार्ट पांचवा भाग -4 प्लस 15 प्लस -3 बराबर है -4 प्लस 15 प्लस डैश 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 के खाली स्थान में। अब देखिए यहां पर क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाए, -4 है यहां, -4 है यहां, प्लस के 15 है यहां, प्लस के 15 है, तो यहां पर बराबर लेने के लिए क्या लिखना चाहिए, -3 बच गया, तो इसको -3 को लिखते हैं यहां पर। तो ये आपकी पर्सनली 1.2, यानी सारे के सारे इस पार्ट में लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है।